हेलो, आज मैं आपसे एक खास बात करने वाली हूँ जो शायद आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होगी बट आपने इम्प्लीमेंट नहीं करी। सो वेलकम टू छलांग, अपने पैशन के लगाओ पंख। पैसे तो सब कमाते हैं और कई उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में भी सोचते हैं। काफी टाइम तक सेविंग करने के बाद आखिर टाइम आता है उसे सही तरह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। बट वो कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में सोचकर आप आगे बढ़ सकते हो और कह सकते हो खुद से गुड टू गो, लेट्स गेट टू नो अबाउट इट। वैसे इन सवालों पर गौर करने से पहले ये जरूर जान लें कि ये ट्रूली आपके फाइनेंशियल गोल एंड प्लानिंग पर डिपेंड करते हैं। तो पहला सवाल आपके मन में ये हो सकता है कि क्या मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं। तो ये देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप कितना तैयार हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ में। क्या आप इमोशनली एंड फाइनेंशियली रिस्क लेने के लिए प्रिपेयर्ड हैं? खुद से ये जरूर पूछें और सोच समझकर ही आगे बढ़े। दूसरा सवाल आपके मन में ये हो सकता है कि आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आपके इन्वेस्टमेंट करने के पीछे रीजन क्या है। क्या आप रिटायरमेंट के लिए सेव करना चाहते हैं या फिर बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए या फिर घर खरीदने के लिए? तो आपके गोल्स पे डिपेंड करती है आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। अगला सवाल आपके दिमाग में ये हो सकता है कि क्या हो अगर मेरा इन्वेस्टमेंट जीरो पर लुढ़क जाए। वेल, ये तो सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट की कहानी का ग्राफ अप्स एंड डाउन्स पर रहता ही है। तो इसलिए ये जरूर सोचकर चलें कि कभी आपका इन्वेस्टमेंट भी जीरो पर गिर जाए तब भी आप हौसला रखेंगे। चौथा सवाल आपके मन में ये आ सकता है कि रिस्क टॉलरेंट लेवल क्या है। लेसर डिस्पोजेबल इनकम का रिस्क टॉलरेंट लेवल भी लोअर होता है, वहीं हायर डिस्पोजेबल इनकम के लिए ज्यादा रिस्क लिया जाता है। तो अपनी कैटेगरी डिसाइड कीजिए और रिस्क टॉलरेंट तय करें। अगला सवाल आपके मन में ये आ सकता है कि इन्वेस्टमेंट क्यों और कब सेल करना है। तो जब इन्वेस्ट किया है तो कभी ना कभी उसको सेल भी करना होगा, बट उस टाइम आपके पास रीजन होना चाहिए। फर्स्ट कीजिए, कोई स्टॉक आपने 15% ग्रोथ प्रोजेक्शन पर खरीदा है बट आगे ग्रोथ नहीं दिखती है, आपको तो उसे सेल करने का प्लान बनाना होगा और यही डिविडेंड पर अप्लाई होगा। सो आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट इट कि ये इंफॉर्मेशन आपको जरूर हेल्प करेगी। बट अगर इस बारे में और डिटेल्स जाननी है तो व्हाई नॉट गो फॉर द स्टॉक मार्केट कोर्स। जस्ट लॉग ऑन टू द छलांग.com एंड ट्रेडिंग को बनाइए और भी ज्यादा आसान।